press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर शुक्रवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन इस दौरान वह सोशल मीडिया में रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर विवादों में फंस गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने कहा कि रेप विक्टिम की पहचान बताना अपराध है, इसलिए महिला आयोग तेजस्वी यादव को नोटिस भेजेगा। वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी पर व्यंग कसते हुए कहा कि साबित हो गया है कि वे 9वीं पास हैं। तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कुछ दिन पहले गया में हैवानियत का शिकार हुई बच्ची की फोटो और नाम उजागर कर दिया। ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा कि 8 साल की मासूम को नीतीश संपोषित प्रशासन प्रायोजित दरिंदों ने पहले अपहरण किया, फिर बेरहमी से उस कन्या का रेप किया। इसके बाद निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री में इतनी भी मानवीय संवेदना नहीं थी कि गया में मौजूद होने के बावजूद विक्टिम के परिवार से नहीं मिले। गौरतलब है कि किसी रेप विक्टिम की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी ने रेप विक्टिम की पहचान उजागर कर साबित कर दिया है कि वो 9वीं पास है। यह उनके कम पढ़े लिखे होने का नतीजा है। ट्विटर पोस्ट पर विवाद बढ़ने पर तेजस्वी ने सफाई दी है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनका कहना था कि जो बच्ची अब दुनिया में नहीं रही उसके भविष्य की क्या बात की जाए। वह तो सरकार को बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में अपराध किस कदर बढ़ चुका है। कुल मिलाकर फिलहाल यह मामला तूल पकड़ गया है।